बीजेपी का दामन थामने वाले हिमाचल प्रदेश के एमएलए सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लोगों से किए गए अपने वादों को पूरा नहीं किया है, जिसको लेकर पार्टी कारकुनों में भी नाराजगी पाई जा रही है। सुधीर शर्मा ने दावा किया कि हिमाचल की चारों लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी। आज एक साथ कांग्रेस के 6 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और इस वक्त हमारे साथ सुधीर शर्मा जी मौजूद हैं, जो विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। सर, आज आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, क्या वजह? देखिए, बहुत सारे कारण हैं। 1.5 वर्ष पहले हम लोग चुन करके आए थे, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन इस 1.5 वर्ष में जिन 10 गारंटियों को जो लोगों को दी थी उनके ऊपर जो काम होना चाहिए था, कोई कार्य वहाँ पर नहीं हुआ और लोग जो हैं कार्यकर्ता वो पूरी तरह से निराश थे। वर्तमान जो सरकार प्रदेश के अंदर है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की, वो कांग्रेस की सरकार तो है ही नहीं। उन्होंने अपने मित्रों को जो है वो कैबिनेट रैंक बांट करके रखे हैं, उनके मित्रों की वो सरकार है, इसलिए आम कार्यकर्ता दूर हट गया। आज वहाँ की जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कहती है मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगी, कांग्रेस को लोकसभा के लिए तो चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हैं और एक कारण ये भी है, ये शुरू हुआ राज्यसभा चुनाव से, तो कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार दिए एक तो प्रदेश के नहीं थे, बाहर से आए, दूसरा उन्होंने राम मंदिर मुद्दे पर उसका विरोध में उच्चतम न्यायालय में केस लड़ा, तो हमने जो वोट था उस समय अपना मतदान जो किया वो हर्ष महाजन जी के पक्ष में किया और दिखा करके किया, कोई चोरी छुपे मतदान नहीं हुआ है और सब सोच समझ के किया। आज स्वेच्छा से शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। जानकारी भी शामिल सामने आ रही है कि पिछले कई वक्त से कांग्रेस के साथ नाराजगी चल रही, तो किस तरह की नाराजगी कांग्रेस? देखिए, अब कांग्रेस पार्टी में संगठन नाम की कोई चीज़ राष्ट्रीय स्तर पर तो बची नहीं है, तो जब यहाँ बात करने आते थे तो कोई पता ही नहीं लगता था किससे बात करें, लोग मिलते ही नहीं हैं, तो ऐसी परिस्थितियाँ जब आ जाएँ तो आदमी ऐसा निर्णय लेता है। लोकसभा चुनाव अब करीब है और आपको भी टिकट का जो नाम है वो सामने आ रहा है, तो क्या लगता है किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जो भी निर्णय शीर्ष नेतृत्व का होगा भारतीय जनता पार्टी के, उसका मैं